स्टेडियम एवं इस एसपी ने कांवड़ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह एवं एसएसपी श्लोक कुमार ने रामघाट गंगा घाट का निरीक्षण करते हुए कांवड़ यात्रा के दौरान घाट से जल भर कर लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं का जायजा लिया। घाट पर सुरक्षा के दृष्टिगत बैरिकेडिंग कराए जाने, गहरे पानी में संकेतक लगाने, गोताखोर नाव, सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था कराए जाने के निर्देश दिए। घाट पर साफ सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। गंग नहर पुल के ऊपर से श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए आने जाने के लिए बैरिकेड कराकर व्यवस्था कराए जाने के भी निर्देश दिए गए। इसके उपरांत नरवर घाट, नरोरा, राजघाट, कर्णवास घाट का भी निरीक्षण करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। कर्णवास में गंगा घाट का कराए जा रहे सौंदर्यीकरण निर्माण कार्य का भी अवलोकन करते हुए आवश्यक जानकारी हासिल की। कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि गंगा घाट का निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप ही गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाए। कांवड़ यात्रा मार्ग का भी भ्रमण किया गया। और सोमवार तक मिनिमम 7-8-10 हजार तक निकल जा रही है हमारे अपने 10 हजार तक। बाकी ये नहीं है कि आपके भर के चले और ऐसा ऐसा नहीं, वो सर मार्च में आता है, वो होता है, लेकिन उसमें ज्यादा भीड़ होती है। अब तो गंगा मैया और आप लोग नाव से इधर उधर नाव से अभी सर तो नहीं, अभी तो बीच में ये पानी वो आ गया है। बाकी ये भी तक है तो उधर बाय टाइम में सर, बाय टाइम वो नाव उधर के नहीं सर, इधर ही उधर के सर, उधर भी कोई गोताखोरी वो नहीं सर, यहीं से जिले में सर गोताखोर भी सर नहीं है, यहीं से जाते हैं। दूसरा ये करना पड़ेगा, मान लीजिए ये पुल है, ठीक है, नहर इधर से इधर बह रही है, यहाँ बीच में नहर में एक जगह बांस डरवा दीजिएगा और इस तरफ से बांस तक एक रस्सी बन जाए और उसमें टायर ट्यूब 2-3 लटक जाए, वैसे ही इधर से उधर रस्सी बन जाए और टायर ट्यूब, हाँ नहर में ठीक उधर ना रास्ता जो पड़ता है तो उसको थोड़े दूर बहने के बाद कुछ पकड़ने के लिए।